नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com। बड़ा शोर है इसलिए मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि ये वीडियो लाइव हुआ कि नहीं, लेकिन अभी हम हितेश बता रहे हैं कि वीडियो लाइव हो गया है। और ये जो शोर आप देख रहे हैं, इतना ये सारा मजमा जो इंदौर में जमा हुआ है, उसी के बारे में हमने लाइव वीडियो बनाने के लिए आपको किया। हम पिछले तीन दिन से मध्य प्रदेश में थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले साल जो किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में चला और उसके बाद वहाँ पे हिंसा हुई, मंदसौर में 6 किसानों की जान भी चली गई, और उसके बाद केंद्र में और राज्य में कुछ पॉलिसी डिसीजंस लिए गए जिसके बाद दावा किया गया कि किसानों की ज़िंदगी बदली है। लेकिन 3 दिन में हमने उन सारे चेंजेस को मैप किया, अलग अलग वीडियोज़ बना के आपको बताया, हम बहुत सारी रिपोर्ट भी फाइल करने वाले हैं। और उस एक साल का जो पूरा गुस्सा हुआ था लोगों के दिमाग में, उसको हमने कल्मिनेट होते देखा जब मंदसौर में राहुल की रैली हुई। हुआ ये कि राहुल की रैली आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी सक्सेस थी, वहाँ पे 1,00,000 के आसपास लोग जुटे हुए थे और जितने ज़्यादा लोग वहाँ जमे थे, जितने किसान वहाँ पे थे, ज़्यादातर उनमें से ऐसे ही थे जो खासकर शिवराज सिंह चौहान की जो किसानों के लिए चलाई हुई योजनाएं हैं उनका उतना फ़ायदा नहीं पा पाए थे जितना दावा किया गया था, और इसीलिए वो एक सफल रैली हो पाई जिसमें किसानों के एजेंडा आगे थे। और उसमें राहुल ने कहा भी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो वो 11वां दिन नहीं आने देंगे, वो 10वें दिन कर्ज माफ़ी कर देंगे। अब इस रैली के बाद में यहाँ का पॉलिटिकल माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है। बीजेपी पहले ही बहुत सारे संशय में यहाँ पे चल रही है कि भले वो यहाँ की सबसे मजबूत पार्टी है मध्य प्रदेश की, खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश में, लेकिन जो रिस्पॉन्स राहुल की रैली को मिला उसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ऐसा एक्शन जो ग्राउंड पे नज़र आए, और वही एक्शन अभी हम कैप्चर कर रहे हैं इंदौर शहर में। हम फिलहाल जहाँ पे खड़े हैं वो इंदौर का पुराना इलाका है, मेरे पीछे जो इलाका है वो राजवाड़ा है इंदौर का। जब इंदौर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तो उनका महल यहाँ पे होता था, मल्लाराव होकर और उनके जो परिवार होता था, वहाँ से सड़क निकल के इंदौर के कलेक्ट्रेट जाती है। मतलब पुराने ज़माने में जहाँ से शासन हुआ करता था, वहाँ से नए ज़माने का शासन जहाँ से होता है, वहाँ तक ये रैली निकली हुई है। और हमें ऐसा बताया गया है कि इस रैली के लिए सारी तैयारी 48 घंटे में की गई है। और मैं कल रात से यहाँ पे इंदौर में हूँ और बार बार मुझको सुनने को मिल रहा है कि इस रैली में सबसे आगे अगर रह के किसी ने काम किया है तो वो है जिन्हें कहा जाता है फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म इंदौर का बेताज बादशाह, वो है कैलाश विजयवर्गीय। उनसे भी हमारा मिलना हुआ था, उन्होंने भी यही बात कही कि 48 घंटे में हमने इस रैली को अरेंज किया है। और उनका दावा ऐसा था कि पूरे इंदौर संभाग से, उज्जैन संभाग से, पूरे वेस्टर्न MP से किसान इंदौर आएगा और लोगों को ये बताएगा कि कांग्रेस जिस चीज़ को टाउट कर रही है कि किसानों के इतने मध्य प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया है, और उस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, पॉलिटिकल माहौल बन रहा है, उसे किसान आकर के खुद बीट करेगा। तो यहाँ पे ढेर सारे किसान हैं और इनका इस तरह से इंदौर में स्वागत भी हो रहा है। और ये ट्रैफिक पीछे आ जाओ, वो आगे बढ़ेगा, तो इसलिए हम इस रैली को भी कवर करने आए, ये देखने कि किसानों का जो ये प्रदर्शन है ये कितना जेन्युइन है। यहाँ पे भी फूल फेंके जा रहे हैं, यहाँ पे इनका वो स्वागत मंच भी दिखा दो भाई। ये भाजपा की लोकल यूनिट्स के लोग हैं इंदौर सिटी के, जिनको स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो तो रैली में हम लोगों से बात कर, हाँ अच्छा इनसे बात कर लेंगे, अभी तो कह रहे हैं कि हम इनसे भी बात कर लें। ठीक है। हम लोग Lallantop से हैं और दिल्ली से आए हैं इस रैली को कवर करने। हम लोग 3 दिन मंदसौर में भी थे और उसके बाद अभी यहाँ पे आए। तो आप लोग BJP के किस यूनिट के मेंबर्स हैं? हम भारतीय महिला मोर्चा, महिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, मंत्री। ठीक है, तो आप लोगों को इस रैली के बारे में कब बताया गया था कि ये होने वाली है? ये हमको 3 दिन पहले बता, 2 दिन पहले बता दिया गया था कि किसान रैली। एक बार में एक क्या आपत्ति? किसान रैली का आयोजन होने वाला है, तो हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई। हम लोगों ने किसान रैली के इस उपलक्ष्य में कि किसान हमारे साथ है, ठीक है,
नहीं, जैसे मुझे जब मैं 3 दिन मंदसौर में था तो मुझे बार बार ये सुनने को मिला कि किसान बड़े नाराज हैं पिछले साल की घटना से भी और उसके बाद में जिस तरह के पॉलिसी डिसीजंस हुए, तो उनकी ठीक है, तो उनकी उनकी नाराजगी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? किसान सही में दुखी लगता है आपको आपके स्टेट में? नहीं, हमारे यहाँ बहुत किसान सुखी है, ये कांग्रेस की नौटंकी है। अच्छा। हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने जिनका भी पिछली बार गोलीकांड में जो भी मारे गए थे उनको नौकरी भी दी है, उनको मुआवजा भी दिया है, और हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री खुद किसान है, इसलिए किसानों का क्या दर्द होता है उनको खुद को पता है। तो किसान के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। बिजली तो जो कांग्रेस में राज में नहीं थी, किसानों को बिजली मिल रही है सब। ये सर वो समझ गया, ठीक है। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मंदसौर में हमको बार बार ये सुनने को मिला, लोग कह रहे थे कि हम पैदा बीजेपी में हुए, जिएंगे बीजेपी में, मरेंगे बीजेपी में, लेकिन वो कह रहे थे कि हम नाराज बहुत हैं पिछले साल की घटना से और जो उनको भाव नहीं मिल रहा वगैरह से, तो उनसे बातचीत नहीं होती? मतलब आप लोगों के भी मेरे ख्याल परिवार वगैरह में खेत वगैरह होगा, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे? वो उन्होंने जैसे बोला कि हम खून पैदाइशी बीजेपी है, खून बीजेपी का है, थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकते हैं और हम उनको मना लेंगे और वापस वो शिवराज जी के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो मनाने के लिए मतलब आप लोग क्या क्या कर रहे हैं आज? आज के आज उनका सम्मान यात्रा निकाली है। अच्छा। किसानों और ये क्या है? ज्वार की रोटी। अच्छा, ज्वार की रोटी और चटनी, लहसुन की चटनी है। अच्छा। ककड़ी भी दे रहे हैं। अच्छा। ककड़ी गर्मी है इसलिए ककड़ी बांट रहे हैं, उनको रक्षा सूत्र बांध के उनको ये वचन दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार आपके किसानों की सरकार। ठीक है, और पूरे यहाँ हमारी सरकार किसानों लगे हाथ है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ की बीजेपी की लोकल यूनिट के लोग हैं जिनको यहाँ पे किसानों के स्वागत वगैरह के लिए खड़ा किया गया है, हमें लगा उनसे भी पूछना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं अपनी पार्टी के बारे में और किसानों की उस नाराजगी के बारे में जिसके बारे में हम बाकी सब जगह सुन रहे हैं। लेकिन ठीक ठीक ठीक, लेकिन शहरों में आने के बाद जो थोड़ा सा कम सुनाई में आता है, हम कोशिश करेंगे रैली में किसी एक किसान को ढूंढने की। और ढूंढने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, मैं इस रैली का जो टेल एंड है मतलब इस रैली का जो छोर था वो भी देख के आ रहा हूँ, और रैली है, बड़ी रैली है, लेकिन बड़े मुश्किल से उसमें देख करके कोई ट्रैक्टर वाला आपको लगता है कि किसान होगा, है ना? ये मेरी अपनी रीडिंग है, मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बड़ा डाउट हो रहा था देखने में। और अजीबोगरीब रैली है, ट्रैक्टर एक फार्म इक्विपमेंट होता है, हम जो यहाँ पे किसान रैली देख रहे हैं उसमें ना ट्रैक्टर में ट्रॉली लगी है ना उसके पीछे कोई फार्म इक्विपमेंट है, वो बस ट्रैक्टर चला आया है, और वो थोड़ा मिसप्लेस लगता है कि ये इतने सारे ट्रैक्टर जमा हो के क्या साबित भी हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी किसी ट्रैक्टर वाले से बात करने की, हम ढूंढते हैं किसी को हम रोक पाएं। थोड़ा पीछे चलें क्या उस साइड, ये वापस। खैर, अब जब हम लोगों से बात करेंगे तब तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो कल से आज तक मैं जान पाया वो ये है कि इस रैली का, इस पर्टिकुलर रैली का सक्सेसफुल होना मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में दोनों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी, अपने अपने मतलब रखने वाला है। पहले बीजेपी की बात करेंगे तो शुरुआत यहीं से होगी कि जो किसानों में डिसकंटेंट है और जो ना सिर्फ किसानों बल्कि मध्य प्रदेश में सोसाइटी के अलग अलग आप ये कहिए कि धड़ों में असंतोष है, उसको अब सरकार की तरफ से और भाजपा की तरफ से प्लेकेट करने की कोशिशें हो रही है, खासकर अब जब राहुल की रैली हो गई है तो। और अब उसको दो तरह से करना बहुत ज़रूरी है, पहले तो पार्टी के लिए और दूसरा पार्टी में भी अपने फायदे के लिए। तो ये रैली अगर सक्सेस होती है तो ये आप ये कहिए कि इंदौर में जो दो गुट हैं, ताई गुट और भाई गुट, ये भाई गुट की रैली है। ज़्यादातर नेता जो लोकल लीडर्स हैं हम कोनी के मिले, सबसे आगे रैली के कैलाश विजयवर्गीय ही चल रहे हैं। और अभी तक जितना हमें मालूम है कि अगर ये रैली सच में इतनी बड़ी है कि इसमें 5-1 हज़ार ट्रैक्टर आएंगे जैसे कि कहा जा रहा है, तो CM अभी तक दिखे नहीं है। भाई साहब रोकेंगे थोड़ी देर, नहीं चाहिए नहीं बात करें। कहाँ से आए आप? हसलपुर से। हाँ जी, हसलपुर। हसलपुर, हाँ चल करो, धीरे धीरे चलाते रहो, मैं बैठ जाता हूँ ट्रैक्टर पे। चलो चलो, बढ़ा दो बढ़ा दो, धीरे धीरे धीरे, उसको मत दबाना, वो मेरे साथ है। ठीक है, धीरे धीरे चलते रहो। तो ये हसलपुर कहाँ पे? हसलपुर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। 45 किलोमीटर? चलो चलो, धीरे धीरे चलते रहो, नीचे जाम लग जाएगा। ठीक है, बस उसको मत दबाना। हाँ चलो 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 चलो, और थोड़ा सा और तेज चलो। ठीक है, तो हसलपुर कहाँ पे? यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। कौन सा जिला कौन सा पड़ता है? अपना इंदौर जिला ही। अच्छा, इंदौर ही पड़ता है। महू से 18 किलोमीटर महू से 18 जी। तो अपने को रैली में बुलाया किसने?
हम खुद ही आया, किसने बुलाया? अच्छा अच्छा, हम खुद ही आए। चाहिए इनको सर, आपको खुद ही आया जी? तो ये डीजल किसने दिया इसमें? हम खुद, हमारे पैसे से चल रहा है। अच्छा, तो ये गाड़ी ट्रैक्टर अपना है जी? अच्छा हाँ। तो कितनी जमीन है अपने पास? अपने पास है 13 बीघा जमीन। अच्छा 13 बीघा जमीन, तो क्या क्या लेते हैं आप उसमें? फसल बारिश में सोयाबीन। अच्छा, और कुमार मैंने उसमें आलू की फसल, आलू है, लहसुन है। गाड़ी चलने दो। तो जो फसल होती है उसमें आगे निकाल लेना मन से, धीरे धीरे, ये बहुत रुकी। तो उसमें आपको भाव कैसा मिलता है? भाव तो अभी कम है, पर ठीक है, फिर भी भाव कम है। वो भावांतर मिला आपको? भावांतर मिला ना, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, मिला भाव, भावांतर मिला, भावांतर मिला। तो इतनी बचत हो जाती है कि इसमें, मतलब ये रैली में इतने दूर से आप आए डीजल डला के? हाँ, हो जाती है बचत। अच्छा हाँ, तो अपन क्या ऐसा कट्टर बीजेपी वोटर है क्या? कट्टर बीजेपी वोटर है। अच्छा, कट्टर बीजेपी वोटर बता रहे हैं, बिल्कुल। आपने कब बताया था रैली में आने का? नहीं, वो तो हमने व्हाट्सएप पे देखा, फोन पे। अच्छा हाँ, वो आए हम किसी के कहने से नहीं आए। अच्छा हाँ, नहीं लेकिन जैसे आपके नेता वेता तो बता रहे थे। अरे बढ़ाओ। हाँ, व्हाट्सएप द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। अच्छा, व्हाट्सएप द्वारा कहीं देखा मैंने। हाँ। और ऐसे ही आया, और किसी ने डीजल नहीं डलवाया, किसी ने खर्च नहीं दिया। अच्छा, स्वयं के खर्चे से आए। अरे यार, नहीं बाकी आपके अपने जो नेताओं ने वो तो ये बोल रहे थे मेरे को कि मतलब हमने बुलाया है, जमा किए हैं अलग अलग डिवीजन से। नहीं, उन्होंने क्या होगा, पर मैं तो स्वेच्छा से आया मेरी। अच्छा, मैं तो मेरी स्वेच्छा से आया। आपके गाँव से और भी लोग आए हैं कोई? हाँ, 10 से 12 ट्रैक्टर आए हैं। 10 से 12 ट्रैक्टर आए जी, और सब अपने स्वयं के खर्चे से आए। अच्छा, स्वयं के खर्चे से। तो कितना डीजल लग गया होगा आज, कितना लग जाएगा आपको पैसा? ये सोचो कि 600 रुपये का डीजल लग जाएगा जाना आना, जाना आने में 600 रुपये का। और खाना पीना अपना? खाना पीना तो हम घर से खा के आए थे। अच्छा। शाम को 5 बजे भोजन करेंगे। ये पानी की टंकी किसने? ये मैं खुद लाया। अच्छा, अपनी निजी है अपनी। अच्छा, ये अपने निजी? हाँ, निजी है। तो ये बड़े मोटिवेटेड किसान है भाई। इन्होंने एक भी चीज जो हमने इनको ब्रेक करने के लिए पूछी, इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं उतर जाता हूँ अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था किसानों को शिवराज मामा ने यार। तो ये हमने एक किसान से आपको बात करके बताया कि वो इंदौर डिवीजन से ही हैं, और ना सिर्फ डिवीजन से बल्कि डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, और 45 किलोमीटर आसपास उनका घर होगा, और वो कह रहे हैं कि 600 रुपये के आसपास का उनको डीजल लग जाएगा। और हमने उनसे जितने सवाल किए, भाई साहब आप बीच में आ रहे हैं, तो जितने हमने उनको परस्यू करने के लिए सवाल किए, उसमें से किसी एक के भी जवाब में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे या तो किसने बुलाया था या मुझे किसी ने पैसा मिला है। एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ में आती है, ये हमने राहुल की रैली में भी देखा था कि अब, हाँ, ये हमने राहुल की भी रैली में देखा था कि अब जिस तरह के लोग इन तरह की पॉलिटिकल रैलीज में बुलाए जाते हैं, उनको पहले इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि अगर आपसे कोई पूछ ले मीडिया वाला तो क्या जवाब देना है ना, क्योंकि वो काफ़ी टेक्स्ट बुक आंसर्स हैं। जैसे पानी की टंकी भी उस किसान के पास ही है, डीजल भी उसने खुद ही डलवाया है, और ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि इतना खाली वक्त किसान के पास होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये है जून का महीना, और अगले महीने से यहाँ पे पानी पड़ना शुरू हो जाएगा, और इस वक्त का जो समय है वो किसान के लिए बड़ा कीमती होता है। उसे ना सिर्फ अपना खेत हाँकना होता है, बल्कि चूँकि ट्रैक्टर एक ऐसे इक्विपमेंट है जो सिर्फ अपनी ज़मीन को सपोर्ट करने के लिए आप नहीं रख सकते हैं, तो आपको उसके लिए दीगर इस्तेमाल ढूंढने होते हैं। तो आप ऐसा करते हैं कि आपने ट्रैक्टर लिया तो आप अपनी ज़मीन भी हाँकते हैं उससे, और जो बाकी लोगों की ज़मीन है उसको भी हाँकते हैं, तो उससे आपको कुछ साइड बाई साइड की इनकम होती है, दूसरे लोगों की ढलाई करते हैं। तो ये एक दिन की रोजी गिरा के जो ट्रैक्टर आया है, तो 600 का तो वो डीजल बता रहा है, आप समझ लीजिए 2000 रुपये का नुकसान उस किसान को हुआ है, और ये कहीं ना कहीं से तो पूरा हुआ ही होगा। इस रैली का स्केल दिखाने की हमारी अब थोड़ी सी कोशिश थी, लेकिन क्योंकि ये शहर का पुराना इलाका है इसलिए रैली थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन क्योंकि मैं इसके टेल एंड से सामने तक के आया हूँ, तो ये तो समझ में आता है कि बहुत सारे ट्रैक्टर्स इन लोगों ने जमा कर लिए हैं। अब दो बातें हैं, जैसा कि हम ये हमने मंदसौर में भी कहा था कि मंदसौर में जो भीड़ जमा थी और जो कह रही थी कि सत्ताधारी दल से और वो उनके CM से नाराज़ है, हम नहीं जानते हैं कि वो नाराज़गी कांग्रेस के लिए कितने वोट में कन्वर्ट होगी। तो वही चीज़ इस रैली पे भी लागू है कि ये जो किसान
एक तरह से अपनी पार्टी और अपने सीएम के समर्थन में आए हैं, इनकी खुशी उस नाराजगी को कितना पाट पाएगी ये भी अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा समय है अभी भी नवंबर आने में जब वोट पड़ने वाले हैं, और जब वोट पड़ेंगे तब हम यहाँ पे होंगे इन सारी डिटेल्स को और आप ही कहिए कि और रास्ते से चबा चबा के जो इसमें से सरोकार निकलते होंगे उनके बारे में आपको बताते रहेंगे, इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। इंदौर से मितेश के साथ मैं हूं निखिल, जहां पे कैलाश विजयवर्गीय की वो रैली चल रही है जिसे इस तरह से टाउट किया जा रहा है कि वो राहुल की रैली का जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया।